नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर के एक साल से चल रहा आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर लगभग खाली हो गया है। गाजीपुर बॉर्डर को आज राकेश टिकैत खाली कर रहे हैं। जश्न का माहौल है यहाँ बॉर्डर पे भी, और यहाँ से लेकर के मेरठ मुजफ्फरनगर सिसौली तक जगह जगह पे उनका स्वागत किया जाना है और उसी हिसाब से माहौल बनाया गया है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें सबसे अहम यूपी है। उसी के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन के साथ साथ गंगा में डुबकी लगाई जा रही है और विपक्ष उसको लेकर के आड़ू ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को कि ये सब कुछ सियासी है। खैर, राजनीति की तासीर ही ऐसी है कि कुछ भी कीजिए उसमें सियासत ही सब नज़र आती है, और ख़ास तौर से विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक दूसरे के खिलाफ राजनीति तो होगी ही। किसानों ने यह ऐलान किया था कि उनके मंच का इस्तेमाल राजनीतिक नहीं हो सकता। अपवादों को छोड़ करके उन्होंने किसी राजनेता को अपने मंच पर चढ़ने भी नहीं दिया था। लेकिन अब जब आंदोलन जो है स्थगित हो गया, या यूँ कहें कि खत्म हो गया है, उसके बाद चूँकि राकेश टिकैत की लोकप्रियता बढ़ गई है, इसलिए उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। पुराना उनका लोकदल से एफिलिएशन रहा है, चुनाव लड़ चुके हैं लोकदल के टिकट पे, और अब इस विधानसभा चुनाव में जो 2022 के शुरुआत में होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी और लोकदल में समझौता हुआ है। लिहाजा राकेश टिकैत का जो है वो पोस्टर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव सपा प्रमुख है, जयंत चौधरी लोकदल के, और उसमें हार गया अभिमान जीत गया किसान, ऐसा नारा लिखा गया है। भाकी यूनियन, भारतीय किसान यूनियन से पूछा जा रहा है कि आपने तो ये कहा था कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा। उनका कहना है कि हमसे पूछ के नहीं लगाया गया है, जिसको जिसने भी लगाया है उसको हटवा दिया जाएगा, और उनका इस्तेमाल, उनके फ़ोटो का इस्तेमाल कोई भी राजनेता नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत क्या है? यही है हकीकत। हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं लोकदल से जुड़ाव तो है ही, आप कुछ भी कहें। अदरवाइज इस पोस्टर का इस्तेमाल किसने किया, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बिना आपकी इजाजत के ही कर लिया गया। अब बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या जब चुनाव आएगा तो भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। जयंत चौधरी आपको याद है पंचायत में गंगा जल और क्या क्या लेकर के पहुंचे थे और क्या क्या वहां पर नारे लगवा रहे थे। अब तो जाकर के उनको आस बधी है कि 2013 के दंगों ने जो जाटों और मुस्लिमों को अलग कर दिया था, ये आंदोलन जो है दोनों को एक कर पाया है, और जब तक जाट और मुस्लिम एक नहीं होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब तक लोकदल जीत नहीं सकता। लिहाजा जयंत चौधरी यानी लोकदल को ये लग रहा है कि यही मौका है। स्वाभाविक रूप से जिसको फायदा हो रहा होगा उसी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया होगा। अभी तो किसान यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने इसे इनकार कर दिया और हटवाने की बात भी कह दी है, लेकिन चुनाव में इस्तेमाल नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये देखिए, ये तो चुनाव है, राजनीति है, जिसको जहाँ से जैसे फ़ायदा मिलता है, जो वायदा करके फ़ायदा मिलता है वो लेता है। बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है और अन्य दल भी पीछे नहीं है। और ये भी बात किसी से नहीं छिपी है कि जब आंदोलन ये खत्म हो रहा था, राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आ गए थे, तब किन किन नेताओं और राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया था, सबको पता है।
तो ये आंदोलन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नया गुल खिलाने वाला है? जिस 136 सीटों में से बीजेपी को अधिकांश सीटों पर सफलता मिली थी, क्या 2022 में उसके झटका लगने वाला है उसे, या संभालने के लिए वो बड़ा कोई दांव चलने वाली है? इस पे हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।